हेलो स्टूडेंट्स नमस्कार प्रणाम आप सभी का मैकेनिकल एट ईज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के बारे में जिसे हम आईआईटी कानपुर के नाम से जानते हैं यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं और ये इनका ऑफिशियल ब्राउसर है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी ब्रांच के छात्र यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखा है ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं तो ये कंटेंट्स हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन दी हुई है उसके बाद एडमिशन एम टेक में एम एस में पी एच डी में ठीक है उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंट तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं सबसे पहले है ये इंट्रोडक्शन आई आई टी कानपुर के बारे में तो इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और 1.1 इन्होंने कहा है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम तो जो पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है जी और आईआईटी कानपुर कौन कौन से डिसिप्लिनस में मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर कर रहा है तो ये आप देख सकते हैं ठीक है जी अब बात आती है सेकंड पॉइंट एडमिशन की एकेडमिक सेशन admission calendar eligibility for admission and reservation of seats diit mtech the applicant must have bachelor degree in engineering or four year bachelor degree in science or master degree in science with marks सी पी आई नोट बिलो द स्पेसिफाइड मिनिमम और एडमिशन इन टू एम टेक इन बायोलॉजिकल साइंस बायो इंजीनियरिंग एप्लीकेट्स मस्ट हैव बैचलर डिग्री इन फार्मेसी मेडिसिन वेटनरी साइंस विद मार्क्स और सी पी आई नोट बिलो द स्पेसिफाइड मिनिमम में आल्सो बी कंसिडर्ड अगर कोई छात्र यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस में या फिर बायो इंजीनियरिंग में एम करना चाहता है तो उसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में या फिर मेडिसिन में या फिर वेटनरी साइंस में ठीक है तो आप यहाँ एम में एडमिशन ले सकते हैं इसके बाद आप एम भी कर सकते हैं बाय रिसर्च तो इसके लिए क्या चाहिए आपके पास चार साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में ठीक है फोर एडमिशन इनटू एम एस बाय रिसर्च फोर एडमिशन इनटू एम एस बाय रिसर्च इन कोगिनेटिव साइंस एप्लीकेंट्स हैविंग बैचलर डिग्री इन मेडिसिन यानी कि आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए ठीक है जी तो और मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी लिंग्विस्टिक्स फिलोसफी एंथ्रोपोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स स्टेटिस्टिक्स बायोसाइंस कंप्यूटर साइंस रिलेटेड डिसिप्लिन में आल्सो बी कंसिडर्ड तो इस तरीके से आप इसे डिटेल से देख लीजिएगा एम डी ई -E एस इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में या फिर चार साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में या डिज़ाइन या आर्किटेक्ट में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे जो कैंडिडेट्स फाइन आर्ट्स में इंटीरियर डिज़ाइन में डिग्री होल्डर हैं वो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एम में अगर कोई छात्र एडमिशन लेना चाहता है तो उसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में कम से कम सिक्सटी परसेंट मार्क्स होने चाहिए कैंडिडेट फ्रॉम आर्किटेक्ट स्ट्रीम मे आल्सो बी अप्लाई प्रोवाइडेड दे हैव मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट एट प्लस टू लेवल इसकी एक शर्त है कि प्लस टू लेवल पर आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए ठीक है अब बात आती है पी एच डी इन इंजीनियरिंग एंड आई डी पी एस विद एम टेक प्रोग्राम तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके लिए क्या है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में ठीक है दस एप्लीकेंट्स मे आल्सो बी कंसिडर्ड हु हैव बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और फोर ईयर बैचलर डिग्री इन साइंस और उसमें कम से कम सेवेंटी फाइव परसेंट मार्क्स रहे हों और जे में नाइन्टी फाइव हो और गेट भी इसका ई हो तो वो यहां पर पीएचडी कर सकते हैं इंजीनियरिंग में ठीक है जी <coughs> अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं करते हैं तो ये दिख लीजिए मास्टर डिग्री इन साइंस और अलाइड एरियाज विद मिनिमम सिक्सटी फाइव परसेंट मार्क्स फर्स्ट डिवीजन इन बैचलर डिग्री और गेट स्कोर या फिर जे आर एफ तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इंजीनियरिंग में इस प्रकार आप पीएचडी कर सकते हैं साइंस स्ट्रीम में भी ठीक है बशर्ते आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस में पीएचडी कर सकते हैं आप हम्यूनिटीज़ में तो हम्यूनिटीज से रिलेवेंट जो भी सब्जेक्ट बनते हैं उनमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और फ़र्स्ट डिवीज़न आपकी बैचलर डिग्री में भी होनी चाहिए अब बात आती है पीएचडी इन मैनेजमेंट तो मास्टर डिग्री इन मैनेजमेंट होनी चाहिए और आपके बैचलर डिग्री में भी फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए बाकी अगर आपने नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है और ये तीनों अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी इन डिज़ाइन तो आपकी डिज़ाइन में मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में या फिर डिज़ाइन में किसी में भी ये क्राइटेरिया आप यहाँ देख लीजिए तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं अब बात आती है एडमिशन प्रोसीजर की तो एडमिशन प्रोसीजर कैसे रहेगा ये आप देख लीजिएगा मास्टर डिग्री और पीएचडी दोनों में आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस सभी की सभी बातें इन्होंने यहाँ पर बताई हुई हैं अकेडमिक रिक्वायरमेंट क्या है ये भी आप देख लीजिए ठीक है काफी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है तो इसे आप पढ़ सकते हैं नोटिस को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आशा करते हैं आपको सब बातें क्लियर हो गई होंगी हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं जय हिंद जय भारत वंदे मातरम